The next lecture on fluxional organic organometallic compounds, and in this lecture we will discuss about the fluxionality in eta 3 allyl compounds. So yahan par hum fluxional organic metallic compounds ke dusre aspect ko padhne wale hain, jahan par specifically hum ek hi compound ko discuss karenge aur wahan par hum discuss karenge fluxional behavior of eta 3 allyl compounds. Kyunki aap jante hain ki jo eta 3 allyl compounds hote hain wo दो तरीके से एक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैप्टिसिटी. उनकी हैप्टिसिटी के आधार पर एलाइलिक ग्रुप मे बी मोनोहैप्टो यानी इट मे बी सिग्मा बॉन्डेड टू द मेटल सेंटर और मे बी ईटा थ्री मे बी ए ट्राईहैप्टो यूजिंग डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स. तो एक तो ये फ्लक्शनल बिहेवियर वहां पर शो ये जनरली कर रहे हैं. एक तो आप देख रहे हैं ऐसा सिस्टम है जहां पर ये जो ईटा थ्री एलाइलिक ग्रुप है ये दो तरीके से एक्ट कर सकता है मोनोहैप्टो एज वेल एज ट्राईहैप्टो. तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इन दिस कंपाउंड इट इज एक्टिंग एज ईटा वन. ओके यहां पर आप देख सकते हैं कि ये यहां दूसरे एग्जांपल में ये ईटा थ्री की तरह एक्ट कर रहा है और यहां पर अगेन ये ईटा थ्री की तरह एक्ट कर रहा है. तो पहली बात तो ये है कि जो एलाइलिक ग्रुप है उसकी हमें लिगेंड के बारे में पता हो कि वो दो तरीके से अटैच हो सकता है ईटा थ्री एंड ईटा वन इंटरेक्शन. और अगर हम इस एलाइलिक ग्रुप को देखें तो इसमें जनरली इट हैज थ्री काइंड ऑफ प्रोटॉन्स. इसमें तीन तरीके के प्रोटॉन्स को हम डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं. ये एक एलाइलिक ग्रुप है जहां पर ये किसकी तरह अटैच्ड है ईटा थ्री की तरह. तो जब ये ईटा थ्री की तरह अटैच्ड है तो इसमें तीन तरीके के प्रोटॉन हम डिवाइड कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल एनवायरमेंट. यहां पर आप देखिए ये एच एस लिखा है मैंने. एच एस एच एस का मतलब अभी मैंने इसको सिमेट्रिक लिखा है विद रेस्पेक्ट टू दिस मेटल सेंटर. तो ये वाले हाइड्रोजन को हम मान के चल रहे हैं कि ये वाले हाइड्रोजन जो है वो मेटल की ओर है और ये जो ग्रीन कलर के हैं ये एंटी सिमेट्रिक आप मतलब नाम दिया है हमने तो हम ये कह रहे हैं कि ये मेटल के एंटी है. ये जो ए से दिखाए हैं ये मेटल के एंटी है. जिस साइड मेटल है उसके एंटी साइड है और ये जो तीसरे तरीके का जो हाइड्रोजन है ये बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये तीन तरीके के हाइड्रोजन इन तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है क्योंकि एच ए मेटल के अपोजिट साइड में है, एच एस मेटल की साइड है और एच सी तो एक डिफरेंट टाइप के कार्बन सेंटर से जुड़ा है. इट मीन्स इट हैज थ्री काइंड ऑफ हाइड्रोजन. तो थ्री काइंड ऑफ हाइड्रोजन की वजह से इट शुड गिव थ्री सिग्नल्स इन दी एनएमआर. इसको एनएमआर में तीन सिग्नल शो करने चाहिए. ठीक है तीन सिग्नल तो शो करने चाहिए ऐसा होना चाहिए. एक्चुअली इसका जो एनएमआर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो एच ए है वो यहां पर ये दिखाए हुए हैं आपको डबलेट आ रहा है यहां पर जो एच एस है उसका भी डबलेट आ रहा है और जो एच सी है उसका मल्टीप्लेट क्विंटेट आ रहा है. आना चाहिए इस तरीके का उसका क्या आना चाहिए क्योंकि तीन तरीके के हैं तो तीन तरीके के सिग्नल हमको मिलने चाहिए जब हम एनएमआर की ओर जाएंगे तो. बट ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. ऐसा जो स्पेक्ट्रा है वो बहुत लो टेम्परेचर पर मिलता है जनरली रूम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे मिलता है. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस तरीके का हमें एनएमआर नहीं मिलेगा और वो क्यों होगा दैट इज ड्यू टू द फ्लक्शनल बिहेवियर ऑफ एलाइलिक ग्रुप दैट इज अटैच्ड टू द मेटल सेंटर. तो होता क्या है कि आप देखिए यहां पर इस जो पहला स्ट्रक्चर मैं आपको बात कर रही हूं ये तो यहां पर आप देखिए मेटल जो है वो कैसे अटैच्ड है. मेटल को अगर आप देखेंगे तो मेटल यहां पर देखिए ईटा वन फॉर्म में अटैच्ड है. आप देखेंगे अगर अब यहां पर नहीं आ रहे हैं यहां पर आइए ये ईटा वन फॉर्म में अटैच्ड है. अगर ये ईटा वन फॉर्म में अटैच्ड है तो आप देखिए दो तरीके के इसमें रोटेशन हो सकते हैं. ठीक है एक आपको मैंने ये रोटेशन ये लंबा सा बॉन्ड है इस बॉन्ड के थ्रू अगर ये वाला पार्ट रोटेट हो मतलब ये बॉन्ड अगर रोटेट हो और केवल ये वाला पार्ट अगर हम ऐसे घुमा दें इसको तो मेटल ऊपर आ जाएगा. देखिए मेटल ऊपर चला गया एच एस टू ऊपर चला जाएगा और एच ए वन नीचे आ जाएगा. केवल हमने इतने पार्ट को रोटेट किया यानी ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग अगर ये पार्ट हम इसको इंटर कन्वर्ट करिए सिंगल बॉन्ड के चारों ओर अगर ये रोटेट हो तो ये मेटल जो है ये ऊपर आ गया ये एच एस टू ऊपर आ गया और एच ए नीचे आ गया. तो आप देख रहे हैं कि ये पोजीशन चेंज हो गई है. देखिए ये चेंज हो गई होगी. दूसरा एक रोटेशन और देख सकते हैं हम ये रोटेशन आप देखिए यहां से
इस बॉन्ड के सापेक्ष इस पार्ट को अगर रोटेट किया जाए, तो ये अगर रोटेट होगा तो HS1 ऊपर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा ये खिसक के ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो आप देखिए HS1 यहां आ जाएगा, HA2 यहां आ जाएगा और HC यहां आ जाएगा। तो आप दो डिफरेंट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर ईटा वन के थ्रू एक एलाइलिक ग्रुप जुड़ा होगा तो आप दो तरीके के इस मॉलिक्यूल में रोटेशन देख रहे हैं, डायनेमिक है इसकी, फटाफट जल्दी जल्दी इसमें जो है चेंजेस होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर हमें ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर एक से हैं। अगर आप देखेंगे, आप देखिए, वैसे तो ये एक से हैं क्योंकि हाइड्रोजन सारी एक सी हैं, बट अगर हम हाइड्रोजन की पोजीशन भी आप देखेंगे तो ये मेटल जहां है उस साइड में HS2 है, HC और HA2 है। यहां देखिए मेटल जिस साइड है HS2 है, HC और HA2 है। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक से हैं। चाहे हम यहां से रोटेट करें या यहां से रोटेट हो, हम नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। जबकि चेंजेस आ रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस आने के बावजूद भी ये जो दो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर है, ये नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। इसलिए NMR इनको पढ़ नहीं पाता है कि ये जो HA था, वो जो HA यहां था वो यहां चला गया, इनकी पोजीशन चेंज हो रही, इतनी जल्दी होती है तो हम इतने धीरे धीरे दिखा रहे हैं, इतनी जल्दी 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 होगी कि इनडिस्टिंग्विशेबल रहेंगे। तो इसलिए ये तीनों के तीनों जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल रहते हैं, जबकि तीन तरीके के इसमें क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं। अब जनरली जो हाई टेम्परेचर पर, जो जनरली 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमें जो इसका NMR मिलता है वो किस तरीके का मिलता है, और आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे जो HA और HS है, HA और HS का जो आप देखेंगे ये जो पीक है ये मर्ज हो जाती है और जो HC है वो अलग मिलेगी। तो NMR पर जब हम देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये जो मॉलिक्यूल मैंने सिंथेसाइज किया है इसमें दो ही तरीके के क्या है, हाइड्रोजन है। तो मुझे ये दिखेगा कि दो ही तरीके के हाइड्रोजन है, जबकि दो तरीके का हाइड्रोजन नहीं है, इसमें तीन तरीके का हाइड्रोजन है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो डायनेमिक NMR होती है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है ये हमें हायर टेम्परेचर पर मिला है, और सेम अगर हम देखेंगे यही अगर हम लो टेम्परेचर पर अगर इस मॉलिक्यूल का अगर हम NMR देखेंगे तो हमें इस तरीके का मिलेगा, क्योंकि इसमें तीन तरीके के हैं, तो हमें लो टेम्परेचर की ओर जाना पड़ेगा देखने के लिए, क्योंकि मैं तो ऐसा चाह रहा था और ये तो मॉलिक्यूल ऐसा बन गया जिसमें दो ही तरीके का केमिकल एनवायरमेंट है, बट ऐसा नहीं हुआ था, इसमें तीन तरीके के थे, जो कि टेम्परेचर कम करने पर हमें पता चल जाएंगे कि इसमें इस तरीके का एलाइलिक ग्रुप है जो कि क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो डायनेमिक NMR की हेल्प से हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो जो इक्विलिब्रियम है एलाइलिक ग्रुप के बीच में वो होता है। इसमें दो तरीके के हम मेथड देखेंगे, जिसमें मैंने आपको एक ही स्ट्रक्चर में दिखाया था, तो एक मेटल फ्लिपिंग हो सकती है, मेटल फ्लिपिंग, और दूसरा क्या हो सकता है, एलाइल फ्लिपिंग। तो दो तरीके की फ्लिपिंग हो सकती है, मेटल फ्लिपिंग और एलाइल फ्लिपिंग। उसकी हेल्प से क्या होता है, ये जो ईटा थ्री एलाइलिक ग्रुप है दे शो द फ्लक्सियनल बिहेवियर। अब आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल था जो मैंने सिंथेसाइज किया था, जो कि ईटा थ्री एलाइल था। ईटा थ्री एलाइल में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये मेटल जो है वो तीनों कार्बन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि पहले ये किसमें कन्वर्ट होता है, एक्चुअल में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक्सचेंज है, इट अकर्स वाया ईटा वन एलाइल कॉम्प्लेक्स। तो बीच में क्यों क्या होता है कि एलाइल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, तो ये मेटल सेंटर यहां पर आ गया, देखिए यहां पर आ गया, ठीक है। और जैसे ही मेटल सेंटर यहां पर आया तो ये ईटा वन में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या होगा, मेटल फ्लिपिंग होगी, यानी ये जो मेटल है ये फ्लिप करेगा और ऊपर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा घूम जाएगा और मेटल ऊपर आ गया और HS2 यहां आ गया, HA1 ऊपर आ गया। उसके बाद फिर से क्या होगा कि ये ईटा थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और ईटा थ्री में कन्वर्ट होने पर आप देखेंगे अब ये जो मेटल है ऊपर है, जो कि पहले नीचे था। आप देख सकते हैं कि मेटल की साइड तो यहां ऐसे है, और यहां पर जहां मेटल है उसकी साइड एक HA आ गया और एक HS आ गया। तो इस तरीके से आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, मेटल फ्लिपिंग हुई है, मेटल ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, उस मेटल फ्लिपिंग की वजह से ये दो स्ट्रक्चर हमें मिले हैं, वन एंड टू। और इस फ्लिपिंग के बावजूद भी आप देखेंगे कि क्योंकि ये सारे हाइड्रोजन एक से हैं, तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर, क्योंकि जो HA1 था उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है इसके साथ, इसलिए आप देख रहे हैं कि आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है भाई, ये दोनों तो एक्सचेंज करते जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा NMR में। फिर आप देखेंगे एक एलाइलिक फ्लिपिंग हो सकती है, ये ईटा थ्री था, ईटा थ्री के बाद ये किसमें कन्वर्ट हुआ, ईटा वन में, ईटा वन में कन्वर्ट हुआ, तो अब ये वाला पार्ट जो है वो फ्लिप कर सकता है, एलाइलिक ग्रुप जो है, तो ये जब फ्लिप करेगा तो हमको इस तरीके का जो HA2 ये पूरा का पूरा यहाँ को
शिफ्ट हो जाएगा. तो एच एस वन एच ए टू और ये हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा. और फिर इसमें क्या होगा, अगेन इट विल कन्वर्ट इन टू ईटा थ्री, फिर से ये ईटा थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा. अगेन वी विल फाइंड टू स्ट्रक्चर, अगेन हमें दो स्ट्रक्चर मिलेंगे. और अब आप देख सकते हैं कि मेटल सेंटर जिस ओर है वो एच एस टू और एच सी है, उस ओर और एच ए टू है. और यहाँ पर देखिए मेटल सेंटर जहां है वहां एच एस टू है और एच एस वन है. तो अब आप क्या देख सकते हैं कि ये पोजीशन चेंज हो, अब इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई. तो एक ही स्ट्रक्चर में एच ए टू भी चेंज हो गया और एच एस वन एक दूसरे से चेंज एक्सचेंज कर रहे हैं. और यहां पर देखिए एच ए वन और एच एस टू चेंज कर रहे हैं. तो आप देख रहे हैं कि एच ए टू एच एस वन के साथ एक्सचेंज कर रहा है, एच ए टू एच एस टू के साथ एक्सचेंज कर रहा है. तो ये और ये डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल है क्योंकि ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम है. तो इसलिए क्या होता है, जब एनएमआर आती है हाई टेम्परेचर पर तो इनका पीक तो एक जगह पर दिखाई देगा और इसका पीक एक जगह पर दिखाई देगा. इसके केवल दो ही सिग्नल दिखाई देंगे. लेकिन अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे ये जो एक्सचेंज है दिस विल बिकम स्लो. ये एक्सचेंज जो है वो स्लो हो जाएगा. और जैसे जैसे स्लो होगा तो एक्सचेंज ही स्लो हो जाएगा. तो फिर जो मॉलिक्यूल है उसमें एक्सचेंज नहीं होगा. तो फिर हमें ये जो मॉलिक्यूल है ये अलग, जो हाइड्रोजन ये अलग दिखाई देंगे, ये वाले हाइड्रोजन अलग दिखाई देंगे और ये वाले हाइड्रोजन अलग दिखाई देंगे. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो एलाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें फ्लिपिंग होती है एलाइल ग्रुप की या फिर मेटल की फ्लिपिंग होती है. तो अगर हम ये समझ गए कि जो एलाइल ग्रुप है वो कैसे कैसे जुड़ा रहता है, तो एलाइल ग्रुप ईटा वन फॉर्म में जुड़ा हो सकता है, ईटा थ्री फॉर्म में जुड़ा हो सकता है. इसी की वजह से इसमें क्या होती है, क्योंकि दोनों साइड से जुड़ सकता है, इसी वजह से जो मेटल एलाइल ग्रुप है दे शो फ्लक्सियनल बिहेवियर एंड वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट प्रोटॉन्स दैट आर केमिकली डिफरेंट. केमिकली मतलब केमिकल एनवायरमेंट उनका डिफरेंट है, वो एनएमआर के थ्रू डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते एट हायर टेम्परेचर. क्यों नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो ईटा वन है ना, इस ईटा वन की आदत है कि इसमें दो तरीके की फ्लिपिंग हो सकती है. एक तो इसमें मेटल फ्लिप कर सकता है और इसमें एलाइल ग्रुप फ्लिप कर सकता है. और जब ये फ्लिप करेगा तो मेटल फ्लिपिंग होगी क्योंकि ये जो ईटा थ्री कॉम्प्लेक्स था ये ईटा वन में कन्वर्ट हुआ. ईटा वन में क्या हुआ, मेटल फ्लिपिंग हुई. मेटल फ्लिपिंग होने के बाद अगेन ये ईटा थ्री फॉर्म में आ गया और ये जो दो जो केमिकली एनवायरमेंट जिनका डिफरेंट था वो दोनों एच एक्सचेंज कर रहे हैं. देन एलाइलिक फ्लिपिंग में भी देयर ईटा थ्री ईटा वन में कन्वर्ट होगा. ईटा वन में एलाइलिक फ्लिपिंग होगी और ये एलाइलिक फ्लिपिंग से देन अगेन आप देख रहे हैं कि जो एच ए टू एन एस एन एच एच एस वन थे वो एक्सचेंज कर रहे थे. और इस एक्सचेंज की वजह से ये सारे ही प्रोटोन क्या हो गए, तो चारों के चारों क्या हो गए, इनडिस्टिंग्विश हो गए. इसलिए हमें एनएमआर में इस तरीके के सिग्नल्स मिलते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है. और नहीं तो अगर हम टेम्परेचर लो करेंगे तो इस तरीके के सिग्नल्स मिलते हैं. यानी हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्टली मैंने जो सिंथेसाइज किया वो एकदम ठीक था, लेकिन क्योंकि उसमें फ्लक्सियनल बिहेवियर हो रहा था उसको हम डायनेमिक एनएमआर से कैसे उसको देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक्सचेंज होता रहता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्सियनल बिहेवियर ऑफ ईटा थ्री एलाइलिक. ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके थे थोड़ा सा कि एलाइलिक ग्रुप होते क्या है, तो आई थिंक आपके लिए आसान हो गया. मेटल फ्लिपिंग एज वेल एज एलाइल फ्लिपिंग. और ये जो फ्लिपिंग है ईटा वन में होती है क्योंकि वहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, तो उस फ्लिपिंग की वजह से क्या होता है, इसमें फ्लक्सियनल बिहेवियर होता है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.